मध्य प्रदेश के बदनावर क्षेत्र के कांग्रेसी कार्यकर्ता एकजुट होकर स्थानीय उम्मीदवार की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के बदनावर विधानसभा से राजवर्धन सिंह दतिगांव ने विधायक पद से इस्तीफा दिया हुआ है, जिसके चलते 6 माह के भीतर उपचुनाव होने वाला है। उपचुनाव को लेकर भाजपा में तो टिकट को लेकर लगभग तय माना जा रहा है, मगर कांग्रेस पार्टी में टिकट को लेकर अभी स्थिति साफ होने के बजाय चिंताजनक लग रही है। वो इसलिए कि इस बार स्थानीय कांग्रेसी कार्यकर्ता नहीं चाहते हैं कि बदनावर विधानसभा के उपचुनाव में पार्टी द्वारा किसी बाहरी उम्मीदवार को उन पर थोपा जाए। इसलिए बदनावर क्षेत्र के कांग्रेसी कार्यकर्ता एकजुट होकर स्थानीय उम्मीदवार की मांग कर रहे हैं। इसके लिए बकायदा पार्टी हाईकमान वरिष्ठ नेताओं को अवगत भी करा रहे हैं और अपनी अपनी दावेदारी पेश भी कर रहे हैं। हालांकि फैसला पार्टी हाईकमान को तय करना है कि टिकट किसे दिया जाए और किसे नहीं, लेकिन जब हमारे संवाददाता ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमल सिंह पटेल से खास बातचीत की तो क्या कुछ कहा कमल सिंह पटेल ने, आइए आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश से स्टेट हेड अमर वर्मा की रिपोर्ट। बदनावर विधानसभा में जब से राजवर्धन सिंह दत्तीगांव कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं, तब से यहां पर तब से ये उपचुनाव की स्थिति बनी हुई है और यहां पर 6 माह में उपचुनाव होना है, जिसमें कांग्रेस से टिकट को लेकर काफ़ी धमासान मचा हुआ है। यहां पर स्थानीय उम्मीदवार की बात कर रहे हैं, स्थानीय उम्मीदवारों की आवाज़ आ रही है। स्थानीय उम्मीदवार चाह रहे हैं कि उन्हें स्थानीय उम्मीदवार को टिकट मिले, बाहरी व्यक्ति को टिकट ना मिले। ऐसे में हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमल सिंह पटेल जी हैं, ये काफ़ी सक्रिय है, काफ़ी समय से लंबे और कट्टर कांग्रेसी हैं। इनसे हम बात करते हैं कि क्या स्थानीय उम्मीदवार को टिकट मिलेगा या बाहरी व्यक्ति को मिलेगा, अगर बाहरी व्यक्ति को मिलेगा तो उनका क्या रुख रहेगा, इसमें हम चर्चा करते हैं। पटेल साहब, समाचार एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पटेल साहब, जो अभी उपचुनाव होना है, इस उपचुनाव में किसको टिकट मिलेगा? अभी तो स्थानीय मुद्दे पर बात चल रही है, जो हमने श्री राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलनाथ जी को हमने पत्र द्वारा सूचना दे दी गई है कि हम स्थानीय मुद्दे पर स्थानीय को भी टिकट देंगे तो हम उसका काम करेंगे। जैसे 16-17 आदमी ने हमने एक लिस्ट बना के दी है, कल तारीख 6 को भी हमने बालमुकुंद सिंह गौतम दार जिला अध्यक्ष को एक पत्र के माध्यम से 15-16 आदमी ने यही मांग रखी है कि ये कागज हमारे सभी दूर पहुँचाया जाए। हम स्थानीय मांग कर रहे हैं, अगर स्थानीय को टिकट नहीं दिया जाएगा तो हम किसी प्रकार का कांग्रेस का काम नहीं करेंगे। पटेल साहब, जो इस बदनाम विधानसभा में ऐसा कोई प्रबल दावेदार मतलब आप हो या कोई और है, अगर आपको मिलता है टिकट तो आप क्या कहेंगे? जो मेरा ये कहना है कि जो पार्टी सर्वे के अनुसार जो सी हमें 15-16 आदमी का दिया, किसी भी का सर्वे के अनुसार जिसको उम्मीदवार बनाएगी हम उसका साथ देंगे। पटेल साहब, आप राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के काफ़ी करीब रहे हो और कभी ऐसा उन्होंने निवेदन आवेदन आपसे किया है तो क्या आप अगर टिकट नहीं मिलता तो आप पार्टी छोड़कर जाएंगे उनके साथ? नहीं, मैं पार्टी छोड़ने का कोई विकल्प भी नहीं है, मैं पार्टी में रहूँगा, पर बाहरी व्यक्ति को देने पर मैं असंतोष होकर घर बैठूँगा। अच्छा, मतलब कुल मिलाकर आप बाहरी का विरोध करेंगे, स्थानीय को किसी को भी टिकट मिलेगा तो आप उसके साथ रहेंगे? स्थानीय को किसी को भी टिकट मिलेगा हम उसके साथ कार्य करेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर उसका पूरा संपूर्ण काम करेंगे। अच्छा पटेल साहब, अगर कांग्रेस पार्टी फिर से दोबारा आती है तो ये जो जनता के जो मुद्दे थे, किसानों के मुद्दे थे, इनके ऋण माफी की लेकर अभी बड़ी परेशानी आ रही है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? हम पहले ही श्री कमलनाथ जी से ये चर्चा करेंगे कि जो आपने ऋण मुक्ति के जो 1 लाख के पहले दूसरे चरण में माफ किए, फिर तीसरे चरण की रखी थी जो अप्रैल मई में होना था, क्योंकि आपके वचन पत्र के हिसाब से अप्रैल मई में 2 लाख रुपए होना था, इसे किसानों को कोई लाभ नहीं मिला। अगर हम चुनाव लड़ते हैं और कांग्रेस की सरकार बनती है तो ये 2 लाख रुपए और जो 1 लाख के ऊपर भी है ये उन किसानों को दिलाने का हम वादा करते हैं। और पटेल साहब, जैसे कि अभी फिलहाल में ये कंडीशन है कि भाजपा भी अभी स्थिर सरकार नहीं है और अगर ये मतलब सीट पूरा तन मन से लड़ती है तो 22 सीट फिर से मतलब निकाल लेती है और सरकार बन सकती है,
क्या कहेंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलनाथ जी का यही कहना है कि हम 22 के 22 सीट में लेकर चुनाव लड़ेंगे ताकि हम अगली सरकार कांग्रेस की बना सकें, क्योंकि यह अभी स्थिर सरकार नहीं है, क्योंकि 7 निर्दलीय बसपा के और इनके 107 है, इन्होंने 5 मंत्री बनाए हैं और 5 मंत्री में अगर मंत्रिमंडल शिवराज जी बनाते हैं तो इनका मंत्रिमंडल बड़ा होगा तो इसमें इनकी पार्टी में बिखराव होगा। विधायक जी, जैसे कि जिस प्रकार से दत्तीगांव भाजपा में शामिल हुए हैं तो उधर भी कहीं ना कहीं विरोध होने लगा है उनका, जो अपना जो है बदनावर विधानसभा में, तो कांग्रेस को कुछ ना कुछ लगता है ऐसा, कांग्रेस कहीं ना कहीं बिल्कुल जीत की ओर है? कांग्रेस तो जीत की ओर शुरू से चली आ रही है, सिर्फ कांग्रेस की फूट के कारण ही कांग्रेस हारती थी। अब आज स्थिति में कांग्रेस एक मुश्त है, क्योंकि एक हमारे साथी जो हम उनके पिताजी से बारे से अभी तक कांग्रेस में उनका साथ देते आ रहे थे और उन्होंने हमारी बदनावर तहसील की जनता के लिए जो ये काम अपहृत काम किया है, इसलिए हम पूरी जनता दुखी है। तो ये थे हमारे साथ कमल सिंह पटेल जी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, और उनका कहना है कि जिसे भी टिकट मिले, स्थानीय को मिले, तो वो तन मन और धन से वो काम करेंगे और सरकार फिर से उनकी बनाएंगे और जो भी है किसानों का मुद्दा है उनको पूर्ण करने में सहयोग करेंगे। कैमरामैन दिनेश के साथ अमर वर्मा, समाचार एक्सप्रेस, धार। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.